सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन में काफ़ी तरह के टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं, और उसके बाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। इनमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पिछले ईयर्स में किस तरह से इनमें से क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन पे। दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे हम सभी को पता है कि जो हम शिक्षा दूर रह के करते हैं, यानी कि जैसे इग्नू, आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी बहुत से लोगों ने। इग्नू क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन देती है, हम घर बैठे अपनी डिग्री कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हमें रेगुलर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ भी है कि जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को विशेष स्थान अथवा विशेष समय पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में हमें बहुत से लाभ होते हैं दोस्तों, और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए काफ़ी तरह की यूनिवर्सिटी अपने इंडिया के अंदर है और कई स्कूल भी है, NIOS जैसे स्कूल चल रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे कुछ विशेषता की हम बात करें तो इसमें यह है कि जैसे नियमित तौर पर जाकर हमें पढ़ाई नहीं करनी होती, और इसमें हम इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो भी इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करवाने लग गए हैं। और इसमें एक और चीज़ जो होती है, इंटरेक्टिव माध्यम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे MOOC मॉक जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी तरह के कोर्सेज होते हैं, उसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें देखिए थोड़ी जो बेसिक चीज़ है वो आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है दोस्तों कि जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जिसे NIOS कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की। अब देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था क्या करती है, ये अपने इंडिया के अंदर जितने भी मुक्त विद्यालय यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन देते हैं उन सभी की एक परिषद है। और ये क्या है? एक स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने रूल रेगुलेशन फीस वगैरह खुद तय कर सकते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के अंदर हुई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ करवाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा चलती है डिस्टेंस एजुकेशन, उसी तरह से इसका भी कुछ उद्देश्य है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में जैसे आता है हमारे पास इग्नू, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते, तो हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये तो हमें पता है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और अब इसे देखते दोस्तों इसमें क्या खास बात है, भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या है दोस्तों, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मैदान गढ़ी में स्थापित है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय दोस्तों, यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें दी गई है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। और उसके बाद में जैसे आगे आता है दोस्तों हमारे पास राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूसा में से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखते हैं इसका क्या मतलब है और क्या उद्देश्य है इसका। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी। यानी कि उनको किस तरह से पैसे देने, क्या करने हैं और किस तरीके से उनको आगे अच्छे से शिक्षण संस्थाओं को चलाया जा सकता है, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65-30 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात इसमें निर्धारित किया गया है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये भी इसमें हमें ध्यान रखना है। अब बात है दोस्तों कि इसके अंदर मुख्य जो उद्देश्य है इसके वो क्या है, देखिए इसके मुख्य उद्देश्य हम देख लेते हैं। 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को 30%
अनुपात को 30% तक बढ़ाना है और इसके अंदर इसका लक्ष्य 70 नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और नए व्यावसायिक कॉलेजों की रचना करना है। और उसके बाद इसमें जो है इम्पोर्टेंट, अकादमिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों, संबद्धता सुधारों आदि के जरिए राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए पहुंच और समानता में सुधार करना। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान करना। वैसे तो ये नॉर्मल बात है, कुछ खास नहीं है। और उसके बाद में जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इसके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं चल रही है वो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा जैसे कि ये IIT है, ये 16 है, IIM यानी कि भारतीय प्रबंध संस्था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कितने हैं, 13 है। यहाँ पे सभी की हमने लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शायद इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, आप एक बार पढ़ लेना। अभी तक तो वैसे इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप एक नज़र दौड़ा लेना इस पर। और उसके बाद में जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, हाँ ये भी उसी में से दोस्तों, ये कुछ खास नहीं है, ये पॉलीटेक्निकल कॉलेज जो होते हैं उनके लिए होता है ये। और उसके बाद है दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके अंदर हम देखते हैं क्या खास बात है। इसकी स्थापना दोस्तों परामर्शी निकाय के रूप में 1945 में की गई थी, यानी कि ये एक सजेशन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 1987 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी संस्थान खोलने यानी कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और तकनीकी संस्थानों में दाखिला क्षमता में विविधता के लिए अनुमोदन करता है। यानी कि जो हमारे टेक्निकल एजुकेशनल कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, वो जब ओपन होते या उनमें कोई पाठ्यक्रम या सिलेबस वगैरह निर्धारित किया जाता तो उसके अंदर ये हेल्प करता है। और इसमें हम देखते हैं जो भी है इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इसके अंदर देखिए भारत ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय है, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में। और अभी हाल ही में इसका एक और खुला है हैदराबाद में, जिसका अभी जो कार्य है वो शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। दोस्तों इसमें से करीब आज तक 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या है दोस्तों हम देख लेते हैं। एक तो जैसे इसका नाम हमें पता होना चाहिए, पूरा फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य की राजधानी शिमला में स्थित है। तो दोस्तों ये शिमला में स्थित है, ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूछा हुआ था। और इसकी स्थापना दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1964 के अंदर की गई थी और कार्य इसने 1965 के अंदर करना शुरू किया था। और इसकी जो कुछ खास बातें हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एडवांस स्टडी, यानी कि एडवांस स्टडीज़ के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, सृजनात्मक सोच बढ़ाने का ये कार्य करते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट है उनको बताते हैं कि किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से काम करना है ताकि बच्चों में अच्छे तरीके से उनका मानसिक विकास हो सके। उच्च परामर्श सहयोग हेतु सुविधाएँ देता है ये। उसके बाद में ये जो रिसर्च कार्य जो होते हैं हमारे, उनके लिए राष्ट्रीय सेमिनार, लेक्चर, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन करता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे व्याख्यान देने अथवा शोध संचालित करने के लिए भारत तथा विदेश से अतिथि प्रोफेसरों तथा अतिथि अध्येताओं को आमंत्रित करता है। यानी कि रिसर्च जो होते हैं, जो भी हमारी संगोष्ठी सम्मेलन वगैरह होते, तो उसमें दूसरे देशों से जो लोग बुलाने पड़ते तो वो इसकी सहायता से बुलाए जाते हैं। ये काफ़ी हेल्प करती है रिसर्च के अंदर। और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों, शायद इसमें 2019 में ही क्वेश्चन आया था। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब इसमें देखते हैं क्या खास बात है। इसकी स्थापना दोस्तों 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। स्वायत्त मतलब वही दोस्तों ऑटोनोमस बॉडी जो मैंने बताया। और
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना, यानी कि जो अध्यापकों की शिक्षा जो है दोस्तों उसके ऊपर ध्यान देना, यानी कि जो हमें टीचर है, टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी टीच करना ज़रूरी होता है समय समय पर, तो उसके अंदर ये काम करता है। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यानी कि जिसे नैक कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या खास बात है। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर के अंदर है और इसकी स्थापना UGC द्वारा एक स्वायत्त निकाय यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसे ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। और इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यवाही कार्यक्रम 1992 का अनुसरण करते हुए स्थापित किया गया है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें निकल के आ रही है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, ये आप थोड़ा ध्यान दे लेना। जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे कॉलेज वगैरह में इंस्पेक्शन होते हैं, उनकी चेकिंग होती है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने कई बार सुना होगा कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप आज चेकिंग आई है, तो वो चेकिंग करने का काम नैक ही करता है दोस्तों, उनकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। और हमने देखा भी होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये B+ है, कोई A+ है, तो वो सारे के सारे नैक ही निर्धारित करता है। और उसके बाद में जैसे उसके बाद देखते दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हिंदी में काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई है। और अब आगे दोस्तों हमारे पास राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, यह है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, इसे कहते हैं NBA। इसमें देखते दोस्तों क्या खास बात है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह संस्था AICTE द्वारा स्थापित की गई। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करना है। और जो हमारी नैक थी दोस्तों, नैक क्या थी कि वो सभी का मूल्यांकन करती है, लेकिन जो NAB है ये तकनीकी शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उनका मूल्यांकन करती है। यह संस्थाओं या प्रोग्राम को मान्यता देने या रद्द करने के लिए बनाई गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और अब देखते दोस्तों अभी तक इनमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्था यानी कि IIAS एडवांस स्टडी की जो बात चल रही थी, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, शिमला के अंदर स्थित है, हमने बताया था अभी। और उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बोर्ड की बात नहीं है, परिषद की बात चल रही है, इसके मुख्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसमें 4 यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद में दोस्तों दिसंबर 2013 में एग्ज़ाम में आया था, ये निम्नलिखित में से किस परिषद को 2013 में विघटित कर दिया गया था, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन था दोस्तों उसे हम विघटित यानी कि उसको तोड़ के अलग संस्थान बना दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर A है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को अलग कर दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों हमारा ये देख लेते हैं कब आया था, ये दिसंबर 2013 का एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यानी कि नैक की बात चल रही है दोस्तों, तो इसकी क्या क्या खास बात है वो हमें बताना है। अब देखिए इसके अंदर खास बात क्या है, एक तो यह एक स्वायत्त शासित संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, हमने पढ़ा था। उसके बाद में इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेवारी का कार्य दिया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये देखिए इसमें कहा गया कि यह दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, तो ये दोनों चीज़ें हम एक बार डाउट के अंदर रख लेते हैं। और इसमें नैक के अंदर हम देख लेते हैं कि इसका कार्यालय कहाँ पर है, मैं भूल गया, हम सभी देख लेते हैं। इसका देखिए इसका कार्यालय कहाँ पे दोस्तों, बेंगलोर के अंदर है इसका कार्यालय, लेकिन इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन पेपर के अंदर दिल्ली कार्यालय दिया हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ B मतलब एक और दो, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा ये आ गया रूसा का, दिसंबर 2015 के अंदर आया था, कि रूसा की क्या क्या खास बात है वो हमें बताना है। मैं हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर 2 यानी कि ABC देख लेते हैं, इसकी क्या क्या खास बात है रूसा की। ABC, सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना,
गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन यानी कि उनके सुधार, उन्नयन का मतलब सुधार होता है दोस्तों, सही से इसका मीनिंग नहीं पता, उनमें सुधार करना, ठीक है आप समझ लेना जो भी है। और उसके बाद में दोस्तों जुलाई 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, दोबारा फिर नैक का क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमने देख लिया दोस्तों 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है, अब दोबारा फिर इसमें हमें बताना है कि नैक की क्या क्या खास बात है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 2 दिया हुआ है, 2 है इसके अंदर, ABC। तो ये आप यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है, आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा अगस्त 2016 के अंदर ही आया था। अब देखिए इसने कहा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन है, तो इनमें से कौन से कथन सही है वो हमें बताना है। तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों कि दूरस्थ शिक्षा है वो हम आसानी से कर सकते हैं, स्कूल में नहीं जाना पड़ता, इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख लेना, इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ABD। हम यहाँ पर देख लेते हैं, AB यानी कि यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है, ठीक है। और फिर है B, इसमें शिक्षा की लागत घट जाती है, ठीक है ये बात भी सही है। और उसके बाद में D, इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो और इसके बाद दोस्तों हमारे पास 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च प्लानिंग, यानी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च प्लानिंग में कार्य करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों NUEPA। अब इसमें यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, हम ये पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1962 एज यूनेस्को एशियन सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानर। आप यहाँ पे पूरी बात पढ़ लेना दोस्तों, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी, आप यहाँ पे पढ़ लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जून 2014 के अंदर ये दोबारा क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कहा गया है कि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड दैट वाज प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिवर्सिटीज, ये है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, AIU। ये एक संस्था है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप पढ़ लेना। और ये जब भी किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस वगैरह निर्धारित किया जाता है तो वो उसमें हेल्प करते एज ए सुझाव देते हैं। तो दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा, स्वयं पोर्टल, MOOC, इग्नू के जो टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, जैसे ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, और साथ के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह के आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं और किस तरह से हमें करने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं पोर्टल की। देखिए स्वयं पोर्टल क्या है, सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार अभी 2019 में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये हमें ध्यान में होना ज़रूरी है। और कोई भी अगर हमारा योजना है या फिर कुछ भी है उसकी फुल फॉर्म हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तों, काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे इसका लुक देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, इस तरह की ये वेबसाइट बनी हुई है। इसके अंदर काम क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे MHRD कहते हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। अब देखिए इसमें 3 तरह की चीज़ें आ रही है, एक तो MHRD और एक AICTE और तीसरा जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, इन तीनों की मदद से ये तैयार किया गया है। स्वयं पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देखिए 1 फरवरी 2017 को इसकी घोषणा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री
प्रणव मुखर्जी ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये भी हमें ध्यान होना ज़रूरी है कि इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, लॉन्च कब किया गया था। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांत, कौन से तीन आधारभूत सिद्धांत वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है पहुँच यानी कि एसेस, फिर है निष्पक्षता इक्विलिटी, और उसके बाद है गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये चीज़ें हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेष बातें क्या है। विशेष बात सबसे पहले तो यही है कि स्वयं पोर्टल एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों को निःशुल्क सीखने के लिए प्रेरित करता है, और इस पर जो भी कोर्स है दोस्तों वो फ्री में हमें मिल जाते हैं, और इस पर 9वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के हम कोर्स कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के चार भाग है। चार भाग कौन कौन से, किस तरह से हम शिक्षा ले सकते हैं। एक तो जैसे कि वीडियो देख के हम उससे शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारी PDF फाइल वगैरह उनको डाउनलोड करके हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तीसरा है स्वयं मूल्यांकन परीक्षा यानी कि वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है, हम टेस्ट दे के पता कर सकते हैं कि हमने कितना क्या कुछ सीखा है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन विचार विमर्श करते हैं, अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो हम वहाँ पे चैट वगैरह कर सकते हैं या फिर हम मेल द्वारा क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो ये चार तरीके हैं स्वयं पोर्टल पर शिक्षा लेने के। और उसके बाद है दोस्तों हमारा स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है ये भी हम देख लेते हैं। स्वयं प्रभा का लुक आप देख सकते हैं इस तरह से है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, वो जो स्वयं पोर्टल था वो थी हमारी वेबसाइट थी, और ये जो स्वयं प्रभा है ये दोस्तों DTH TV चैनल है। देखिए इसमें क्या होता है वो देखते हैं हम। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम बनाया गया है जो अपनी माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके, यानी कि जिनको प्रॉब्लम होती है शिक्षा लेने में, चाहे वो 10वीं क्लास में हो, 12वीं में हो, चाहे किसी में भी हो, उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। और स्टूडेंट इस ऑनलाइन स्वयं पोर्टल के जरिए अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। इसी के लिए MHRD और AICTE ने संयुक्त रूप से स्वयं प्रभा DTH TV चैनल का शुभारंभ किया है। तो अब क्या किया, पहले क्या था, पोर्टल था, पोर्टल पे हम जो PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद क्या है, स्वयं प्रभा DTH TV चैनल आया, वहाँ पे हम वीडियोस देख सकते थे, पूरा का पूरा लेक्चर हम वहाँ पे पढ़ सकते थे। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये भी 2017 को ही लॉन्च हुआ था और इसकी जो घोषणा है 2016 को हुई थी। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने वाली बात है, स्वयं की वेबसाइट पर जाकर किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, मुक्त शिक्षा के अलावा स्वयं के 32 DTH चैनल के जरिए भी पढ़ाई की जा सकती है। और इसमें क्या है दोस्तों, एक और जो चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली है, यहाँ 32 DTH चैनल पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाया जाता है। सभी अध्यापक, विद्यार्थी और नागरिक आपस में सीखते हैं, 4 घंटे प्रत्येक दिन सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कितने घंटे सीखते हैं, 4 घंटे प्रतिदिन सीखते हैं। एक दिन में 6 बार टेलीकास्ट होता है। ये दोनों की दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें से पहले एक बार क्वेश्चन आया था, अपनी सुविधा अनुसार समय का चुनाव करते हैं, यानी कि जब जी चाहे वो अपनी सुविधा के अनुसार समय का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलीकास्ट होता है वो 6 बार होता है दोस्तों, तो 6 बार में वो कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार TV देख सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों, और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे आप ये बेसिक चीज़ें ये पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। स्वयं प्रभा योजना कक्षा 10 के स्तर से लेकर IIT तक के प्रारंभिक पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए बनाई गई है। ये भी नॉर्मल बात है दोस्तों। और आगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारे पास MOOC, यानी कि जिसे हम मॉक भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फुल फॉर्म में से पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और इसका जो लुक है वो इस तरह से है दोस्तों, ये वेबसाइट का लुक है। और इसमें हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या खास बात है, यहाँ पे आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। और इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, MOOC वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के
छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें भी वही है दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन की तरह हम शिक्षा ले सकते हैं दूर बैठे। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हम इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ले सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों MOOC, विशेष तौर पर STEM, स्टीम का मतलब होता है दोस्तों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इनकी हम शिक्षा लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट उन्नत भारत अभियान, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, उन्नत भारत अभियान एक मिशन की पहल है जिसे 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि IIT और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT के साथ मिलकर देश भर में लॉन्च किया गया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, एक तो IIT और एक NIT के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है। ये योजना किसकी दोस्तों, MHRD की ये योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाना है। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि पहले जो उन्नत भारत अभियान है वो उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया है। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण उन्नत भारत अभियान 2.0 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया है। ये भी इसमें आ सकता है दोस्तों। इस योजना में 748 संस्थान भाग ले रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 605 संस्थानों को ही चुना गया है। इसमें से 313 संस्थान तकनीकी तथा 292 संस्थान गैर तकनीकी है। पहले चरण में 143 संस्थानों ने भाग लिया था। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दे लेना ये जो लाइनें हैं। और उसके बाद इसके जो उद्देश्य हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों व छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि ये जो पूरा ज़्यादातर फोकस क्या कर रहा है, जो विलेज है, विलेज एजुकेशन, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग करना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा योगदान देना, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमने इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर कोई दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वो यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन जो आज तक आए हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा रहता है जैसे इग्नू का ज्ञान वाणी हो गया, ज्ञान दर्शन हो गया और ज्ञान धारा हो गया, इनमें से क्वेश्चन आए काफ़ी, तो ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो ज्ञान वाणी है, ज्ञान वाणी क्या है। अब देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान वाणी, वाणी क्या होता है दोस्तों, जो हम बोलते हैं, वाणी मतलब बोलना। बोलना ज़्यादातर किस पे बोला जाता है, जो FM रेडियो होता है उसके ऊपर बोला जाता है, तो इस तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, तो ज्ञान वाणी का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि जो एजुकेशनल FM चैनल है उसको हम ज्ञान वाणी कहते हैं और ये इग्नू द्वारा चलाया गया है। और अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच, यानी कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा वो हमें देखना है। अब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने दिया है, ओनली 3 ये। अब इन तीनों पे हम विचार करते हैं। सबसे पहला है ज्ञान दर्शन, सैटेलाइट वेस्ट एजुकेशनल TV चैनल, ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्ञान दर्शन। अब दर्शन की जो बात आ रही है तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखना यानी कि वीडियो, और वीडियो मतलब TV चैनल। तो ज्ञान दर्शन है वो एक सैटेलाइट एजुकेशनल TV चैनल है, ये इसकी बात बिल्कुल सही है। नंबर 2 पे भी बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्ञानवाणी एक FM चैनल है इग्नू का। उसके बाद में जैसे MOOC है, इन्होंने इसकी फुल फॉर्म दी है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स, तो ये इसकी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, हमने पढ़ा था इसकी फुल फॉर्म, तो ये ऑप्शन 3 है, ये इसका आंसर आ जाए, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। और हमें ये क्या बताना था, जो गलत है वही हमें बताना था। और आगे हम देखते दोस्तों, अब ये देखिए दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया था,
जून 2019 में ही आया था। इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। अब हमें बताना कि ज्ञान दर्शन क्या है। अब जैसे दर्शन की बात आती है तो मैंने बताया था दर्शन मतलब टीवी देखना, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, देखना चाहता हूँ आप कितना क्या कुछ पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 20 जून 2019 को आया दोबारा फिर ये ज्ञानवाणी आ गया कि ज्ञानवाणी है वो क्या है। ज्ञानवाणी क्या है दोस्तों, सीधी सी बात है, एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 3 बार हमारा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन से रिलेटेड। तो देख सकते कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ जो रहती है हमारे पास ज्ञान धारा रहती है, ज्ञान धारा। अब देखिए ज्ञान धारा क्या है, ज्ञान धारा इग्नू द्वारा पेश की गई एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। अब देखिए ज्ञान वाणी जो थी वो एक एफएम चैनल था, ये इंटरनेट की ऑनलाइन रेडियो सेवा है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और इस दौरान दोस्तों वो क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन रेडियो सुन सकते हैं, टेलीफोन और ईमेल के ज़रिए वो अपनी मेल वगैरह भेज सकते हैं, अपने जो भी विचार है वो पूछ सकते हैं। ज्ञान धारा ये हमें पता होना चाहिए। 3 चीज़ें हमने कर ली, एक तो ज्ञानवाणी कर लिया, एक ज्ञान दर्शन कर लिया और तीसरा है ज्ञान धारा। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया था दोस्तों स्वयं का क्वेश्चन आया था 2019 के ही अंदर, इसके अंदर हमें बताना है कि स्वयं है वो क्या है। अब इन्होंने कहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद में जैसे डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये हो सकता है, इसको हम एक बार डाउट के लिए रखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी डाउट के अंदर। नन नेम ऑफ ए वेबसाइट, नहीं ये नहीं कह सकते। अब देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चलो ठीक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन किस चीज़ का है ये तो बताना चाहिए ना। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 48, द स्कीम उन्नत भारत अभियान M2, इसका क्या एम है वो हमें बताना है दोस्तों। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये देखिए दोस्तों, लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एट लीस्ट 5 विलेजेस। अब देखिए वहाँ पे हमने बात की थी ना कि इस जो उन्नत भारत अभियान है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, विलेज के ऊपर फोकस कर रहा है, और इन 4 ऑप्शन में इसको छोड़ के और किसी में भी विलेज की बात नहीं कही गई है। और जो 5 विलेज की बात है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट उनके साथ जुड़ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कम से कम 5 विलेज को शिक्षित करें, उनमें अपना योगदान दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास एक और ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर ही आया था, इसने कहा है कि NMEICT का पूरा मतलब क्या है वो हमें बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, NMEICT की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म है। और अगर आप अधिक जानकारी चाहे तो इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें से पहली बार एक ही बार इसमें से क्वेश्चन आया था, ज़्यादा बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, अगर फिर भी आप पढ़ना चाहे तो इसमें से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।